मैं दोस्तों वंदे मातरम। तो भैया बिग बॉस जो है वो शुरू हो चुका है। रविवार 15 अक्टूबर 2023 को सलमान खान ने बिग बॉस 17 का ग्रैंड प्रीमियर किया। बिग बॉस के सीजन में 17 कंटेस्टेंट की एक दिलचस्प लिस्ट है, जिनमें मुनव्वर फारूकी, अंकिता लोखंडे, विकी जैन, ऐश्वर्या शर्मा, नील भट्ट, ईशा मालविया, मनारा चोपड़ा, नवीद सोले, अनुराग डोभाल, सना रईस खान, जिग्ना वोरा, सोनिया बंसल शामिल है। खानजादी, सनी आर्य, रिंकू धवन, अरुण मशेट्टी और अभिषेक कुमार भी हैं। बिग बॉस का ये 17वां सीजन दिल, दिमाग और दम की थीम का बेस है। थीम के आधार पर बिग बॉस के घर को तीन हिस्सों में बांटा गया है, हाउस 1, 2, 3। अब अंकिता लोखंडे, विकी जैन, ऐश्वर्या शर्मा, नील भट्ट ने सेलिब्रिटी कपल के रूप में इस घर में एंट्री की। अगर हम बात करें तो बिग बॉस 17 का जो एपिसोड रहा वो अभिषेक कुमार और ईशा मालविया के बिग बॉस के घर में आने के साथ ही शुरू हुआ। बाकी कंटेस्टेंट उन्हें देखकर काफी खुश हुए, वे उनका वेलकम करने और घर दिखाने के लिए दौड़ पड़ते हैं, जबकि मनारा चोपड़ा एक बार फिर अपनी ड्यूटी करने की कोशिश करती है और दोनों को बताती है कि उन्हें चुनना होगा कि वे आखिर कहां रहें। ईशा कहती है कि वे अभिषेक जैसी जगह नहीं चुनेंगी क्योंकि वे उनके करीब नहीं रहना चाहते, जबकि अभिषेक उन्हें बताते हैं कि वे उन्हें अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहते और ब्रेन विला को चुनते हैं। इस बीच ईशा मनारा की मदद से इधर उधर घर देखती है तो मुनव्वर फारूकी अभिषेक से बात करते हैं और मनारा को रोस्ट भी करते हैं। एपिसोड शुरू होने के बाद से पहले तो ईशा और अभिषेक को लेकर बातें शुरू हुई। सबका यही कहना है कि वे दोनों बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। उसके बाद सभी घर वाले गार्डन में बैठकर जिग्ना वोरा की कहानी सुनते हैं। अचानक गाना बजना शुरू हो जाता है, ये बिग बॉस का नया एंथम है। सभी घर वाले मिलकर इस पर डांस करते हैं, फिर बिग बॉस उन्हें बुलाते हैं और सीधी लाइन में खड़ा कर देते हैं। इन सबके बाद बिग बॉस सभी को इकट्ठा करते हैं और सबके सामने पहले तो मस्ती मजाक करते हैं, फिर नील की तारीफ करते हैं। बिग बॉस घर वालों को आपस में बात करके ड्यूटी तय करने के लिए भी कहते हैं। इसी के साथ हमेशा की तरह घर वाले आपस में भिड़ जाते हैं, हर कोई अपनी ड्यूटी को लेकर आपत्ति जता रहा है। इसके बाद विकी ने घर वालों को 2 मिनट का वक्त दिया ताकि वो अपने बेड चेंज कर सकें और फिर सभी दौड़ पड़े। हालांकि विकी ने घर वालों के साथ प्रैंक किया था कि 2 मिनट में उन्हें अपना बेड चेंज करना है। इतने में घर वाले आपस में लड़ पड़े। विकी बताते हैं कि इससे पहले सभी आपस में भिड़ गए। इसके बाद बिग बॉस ने विकी को इसके लिए झाड़ भी लगाई कि उन्होंने अपना दिमाग लगाकर प्रैंक किया और खुद को बताया कि एपिसोड कैसा रहे। अब इसके तुरंत बाद में उन्होंने अभिषेक को और भी ज्यादा ताड़ लगाई कि ये पत्नी अंकिता को अच्छा नहीं लगा और वो वहां से निकल भी। एपिसोड के आखिर में मनारा और ईशा की आपस में लड़ाई हुई। ईशा अंकिता के पास आकर कहती नजर आई कि वो इस तरह की बातों को नहीं ले सकती। इसके बाद अंकिता और विकी गार्डन में एरिया में बैठकर बातें करते दिखे। अंकिता का कहना है कि उनके पति लोगों के मुंह पर बोले और दूसरी तरफ विकी भी अपनी बात को कहते हुए नजर आए और दोनों के बीच की एक खटास से एपिसोड खत्म हो गया। अब देखिए बिग बॉस की शुरुआत हो चुकी है और यही खटर पटर अब काफी दिनों तक चलने वाली है। तो इसीलिए भैया अगर आपका कोई फेवरेट कंटेस्टेंट हो तो अभी जिस तरह से लोग बोल रहे हैं कुछ वाइल्ड कार्ड एंट्री भी होनी है कुछ लोगों की, उस बारे में बोलना शुरू कर दीजिए। वहीं एक अटकलें ये भी लग रही थी कि भैया अरमान मलिक अपनी पहली पत्नी के साथ में इस घर में एंट्री करने वाले हैं। दोनों ने व्लॉग बनाकर ये भी बता दिया था कि उन्होंने 2 लाख की शॉपिंग कर ली। काफी सारी बातें हुई और चली गई लेकिन समझ में फिलहाल लोगों को नहीं आया कि आखिर इस बारे में क्या होना है। आप लोग जरूर बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके। मेरे सुनिए फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।